नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आरएसपी वर्ल्ड पर और मैं हूँ रवि पवार। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बारे में और साल के सबसे शुभ मुहूर्तों के बारे में, कौन कौन से मुहूर्त होते हैं और अभी आने वाली है धनतेरस दिवाली, तो यहाँ पर उसी के बारे में एक जानकारी बहुत ज़रूरी है जो आपको जानना चाहिए, उसी के बारे में वीडियो है। और ये देखिए, ये जो वीडियो बन रहा है ये धनतेरस 2019 के लिए बन रहा है, 2019 के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये जो वीडियो है ये आपको हर धनतेरस पे या हर शुभ मुहूर्तों पे, हर साल के शुभ मुहूर्तों पे काम आने वाला है। तो ये वीडियो कॉमन रहेगा हर साल के लिए, सालों साल के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये एक मैंने नोट रेडी किया है ताकि आपको सारी चीज़ें सरलता से समझ में आ जाए। बेसिकली वीडियो है कि धनतेरस पे हमें किन चीज़ों की शॉपिंग करना चाहिए, कौन सी चीज़ें खरीदना चाहिए ताकि हमारा लक्ष्मी तत्व बढ़े और हमारे घर में या व्यापार में धन बरकत की बढ़ोतरी हो और सारा सुख समृद्धि शांति हमारे जीवन में आए। तो एक्चुअल में ये जो होगा ये धनतेरस पे भी होगा और हर माह के शुभ मुहूर्त पे भी ये चीज़ काम करेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से समझाता हूँ ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करती है और उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो ऊपर हेडलाइन डाली हुई है वो है कि साल के शुभ मुहूर्त पर खरीदारी करें, यानी कि साल में धनतेरस के अलावा भी कुछ ऐसे मुहूर्त आते हैं, दिन आते हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं अपने लक्ष्मी तत्व को बढ़ाने के लिए, अपने घर में व्यापार में धन बरकत प्राप्त करने के लिए। तो कौन कौन से हैं वो मुहूर्त जानिए। देखिए, सबसे पहले हर माह की पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही शुभ होती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष भी वहाँ पे होता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है हमारे भारतीय जो हमारा सनातन धर्म है उसमें, तो पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया गया है। वहीं अमावस्या को बहुत ही बुरा दिन माना जाता है, क्योंकि वो तामसिक कार्यों के लिए होता है अमावस, और सात्विक कार्यों के लिए पूर्णिमा होती है। तो पहला मुहूर्त पूर्णिमा का, यानी एक साल में आपको 12 यहाँ पे पूर्णिमा मिल जाएंगी, क्योंकि एक महीने में एक तो आ ही जाती है। उसके बाद देखिए, सेकंड मुहूर्त जो होता है रवि पुष्य नक्षत्र। ये क्या होता है कि पुष्य नक्षत्र नाम का एक शब्द आपने सुना होगा, कैलेंडर में इजी तरीके से देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आता है तो वो दिन बहुत ही अपने आप में एक शुभ मुहूर्त होता है सारी खरीदारी करने के लिए या कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए। देखिए, ये जो मुहूर्त है ना, ये किसी चीज़ को खरीदने के लिए भी है और कोई नया काम शुरू करने के लिए भी है। अगर आप घर गृह प्रवेश कर रहे हैं, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं, कोई भी बड़ी चीज़ अपने लिए, कोई वाहन ले रहे हैं, तो वहाँ भी ये मुहूर्त काम आने वाले हैं। चलिए, तीसरा नंबर का जो है वो है गुरु पुष्य नक्षत्र। तो ये गुरुवार के दिन आता है, यानी कि अगर पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ गया तो कैलेंडर में आप इजीली देख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे और भी शुभ हो जाता है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र। उसके बाद अक्षय तृतीया, इसको आखा तीज नाम से भी आप जानते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसके बाद देखिए धनतेरस, तो धनतेरस अगर इन हम 1, 2, 3, 4, 5 मुहूर्त में अगर बात करते हैं सबसे बड़े शुभ मुहूर्त की, शुभ दिन की, तो वो यहाँ पे धनतेरस का दिन है जो सबसे शुभ होता है। तो धनतेरस से बड़ा कोई भी शुभ मुहूर्त साल में नहीं आता है। तो धनतेरस आप जानते ही हैं दिवाली के 2 दिन पहले आ जाती है, तो ये सबसे शुभ मुहूर्त होता है खरीदारी करने के लिए। अब देखिए, इस दिन क्या है कि इस दिन कुछ एक पर्टिकुलर सामान होते हैं जो इस दिन अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो ये जो दिन होता है धनतेरस का, एक तो ये पूरे दिन ही अपने आप में सर्वाद सिद्ध होता है, और उसके बाद दिन भर में इसके अंदर फिर कोई भी चौघड़िया देखने की कोई मुहूर्त निकलवाने की किसी पंडित से कोई आवश्यकता नहीं होती है। रात को जब बारस का दिन एक दिन पहले होता है तो यहाँ पे बारस के बाद जब रात को 12 बजे बाद तेरस लग जाती है, तो उस रात से लेके अगले दिन जब तक 14 का दिन आने वाला होता है, उस दिन के पहले तक जो तेरस का दिन होता है, ये जो हमारे यहाँ पे जो समय, ये जो पीरियड होता है 24 घंटे का, ये अपने आप में बहुत ही शुभ होता है और पावरफुल होता है।
तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इसके अंदर कोई अलग से कोई मुहूर्त निकालने की कोई जरूरत आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सामान खरीदने होते हैं इस दिन, ताकि वो सामान खरीद कर शुभ मुहूर्त में ला कर आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लें और आपके जीवन में, आपके व्यापार में तरक्की हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति धन बरकत आए, आपके सारे काम सफल बने और आप आरामदायक जीवन रहें, आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रहे और सब कुछ अच्छा हो, आप निरोगी रहें, यहाँ पे प्रसन्न मन वाले रहें, धन आकर्षण करने वाले रहें, धन का संचय करने वाले बने। तो यहाँ पे ऐसे कुछ सामान हैं जो इस दिन ज़रूर से ख़रीदना चाहिए, वो क्या है मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ नियम लिखे हैं, ये नियम आपको बता रहा हूँ मैं। जो भी सामग्री खरीदी जाए वो सिद्ध अभिमंत्रित जागृत प्राण प्रतिष्ठा की हुई होना चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता है, यही यहाँ पे बहुत विडंबना बनी हुई है कि इस दिन लोग शॉपिंग तो कर लेते हैं, सामान अपने घर तो ले आते हैं, लेकिन उससे बिना प्राण प्रतिष्ठा और सिद्ध किए बिना उसे उपयोग में ले आते हैं, यानी कि जो सामान मंदिर में रखना है मंदिर में रख देते हैं, कुछ सामान लॉकर में, अलमारी के लॉकर में जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ रख देते हैं, कुछ चीज़ें धारण करने की होती कर लेते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा सिद्धि नहीं करते हैं उसकी, तो यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करती है पूर्ण तरीके से। देखिए अब होगा क्या, अब इसे आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझिएगा, क्योंकि धनतेरस अपने आप में, मैंने शुरू में बोला कि एक सर्वाद सिद्ध दिन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो चीज़ काम तो करेगी, क्योंकि धनतेरस के पहले अगर वो चीज़ खरीदी जाती यानी 12 को या 10वीं तिथि को, तो वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, लेकिन धनतेरस सर्वाद सिद्ध है तो वो कुछ 20% 30% काम तो करेगी, लेकिन 100% वो काम जब भी करेगी जब उसमें प्राण डाल दिए जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आप चीज़ खरीदेंगे, खरीद के लाने के बाद, घर पे लाने के बाद उसका उपयोग करने से पहले उसकी सिद्धि और अभिमंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आप कर लीजिएगा जो भी आप चीज़ लाएं। उसके बाद देखिए पहला नियम यही है। दूसरा है, धनतेरस के दिन खरीदारी होना चाहिए, उपयोग या स्थापना किसी भी अन्य दिन हो जाए जैसे कि गुरुवार। इस पॉइंट को समझिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, तो अब मैं यहाँ पे इसको ऑनलाइन तरीके से समझाता हूँ। देखिए जो भी मैं आपको आगे सामग्री बताने वाला हूँ, आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पे सामग्री सभी आपको आसानी से मिल जाएगी। मार्केट जाइए, वहाँ से सामग्री खरीदिए और किसी अच्छे से ब्राह्मण पंडित को वो सामग्री देकर सिद्ध करने का, अभिमंत्रित करने का बोलिए और फिर से उन्हें प्राप्त कर कर उसको उपयोग में लाइए, ठीक है। अब लेकिन आप अगर इसको एक ऑनलाइन तरीके से देखें कि अगर ये सामग्री आप कहीं से भी, मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही मंगवाएं, आप चाहे मंगवाना तो मंगवा सकते हैं, हमारी भी जो शॉप है यहाँ पे ये सारी सामग्रियाँ मिल जाती हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में मेरी शॉप है और मैं भी इंदौर मध्य प्रदेश से ही हूँ, तो देखिए, और या फिर आप कहीं दूसरी जगह ऑनलाइन ऑनलाइन ख़रीदी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन ख़रीदी करने वालों के लिए बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने धनतेरस के दिन खरीदारी होने चाहिए। अब यहाँ पे आप ये गलती मत कीजिएगा कि ऑर्डर आपका धनतेरस के पहले दे दें, यानी कि आप ऑर्डर दे दें उसका सप्तमी तिथि को, षष्ठमी तिथि को, पंचमी को, और आप सोचें कि 3 से 4 दिन में पार्सल हम तक पहुँच जाएगा तो हमने धनतेरस पर ख़रीदारी कर ली, ये लॉजिकली है ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। अगर आपने पंचमी तिथि को 4 से 5 दिन पहले अगर उसका पेमेंट किया है तो आपने धनतेरस पर उसको कहाँ से ख़रीद लिया। धनतेरस वाले दिन अगर पार्सल आपको मिल भी गया तो भी ख़रीदारी तो आपकी पहली ही मानी जाएगी 4 से 5 दिन पहले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर प्लेस ही धनतेरस वाले दिन करना है। ऑनलाइन कैसे भी करें, पेमेंट मोड आपका कोई भी हो सकता है, आपको धनतेरस वाले दिन ही ऑर्डर प्लेस करना है। अब सीधी सी चीज है, कहीं से भी इंडिया में से आपका पार्सल आएगा तो अगर धनतेरस पे आपने उसको पार्सल ऑर्डर किया है तो वो आपको मिलेगा दिवाली के बाद 3 से 4 दिन बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए। आपकी ख़रीदारी तो धनतेरस के दिन हुई ना, मतलब ख़रीदारी जब मानी जाती है जब हम किसी को पेमेंट दे दें तब वो ख़रीदारी होगी, तो आपने ख़रीदा तो ये धनतेरस के दिन है ना। अब वो कभी भी पार्सल आपका आ जाता है तो उसको गुरुवार के दिन आप स्थापना उसकी कर लीजिए, यहाँ पे आपके घर में या व्यवसाय पे जहाँ भी करना चाहते हैं,
अब यहाँ भी आप समझिएगा थोड़ा सा, इसको और डीप में समझाता हूँ कि वो 4 से 5 दिन बाद पार्सल आया, उसके बाद उसकी पहले सिद्धि और अभिमंत्रित उसको करवाना है आपको। अगर आपने करवाया हुआ नहीं मंगवाया है तो, अगर करवाया हुआ ही मंगाया है तो फिर आप गुरुवार के दिन या रविवार के दिन उसकी डायरेक्ट स्थापना कर लीजिए एक चौकड़िया देखकर, उसके अंदर शुभ मुहूर्त देखकर। लेकिन आपने नहीं सिद्ध करा हुआ मंगवाया है तो पहले उसे सिद्ध करवाइए, उसके बाद जो भी गुरुवार या रविवार आ रहा है उस दिन उसको स्थापना कर लीजिए। अब देखिए, सिद्ध करवाने के लिए कोई यहाँ पे दिन की आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी सिद्ध और अभिमंत्रित उसको करवा सकते हैं, यहाँ तक कि शनिवार को भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नियम नंबर 2 था, उम्मीद आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है, मेरे व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, वहाँ से लीजिए और मेरे व्हाट्सअप पे समझ लीजिए। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो कोशिश करता हूँ मैं इजी से इजी समझाने के लिए। 3rd नंबर का यहाँ पे जो नियम है, यह सभी चीज़ें आपके लक्ष्मी आकर्षण तत्व को बढ़ा देते हैं। अब चाहे आप ज्योतिष या वास्तु को मानते हो चाहे ना मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, ये क्या होता है कि ये जो जितनी भी सामग्री आपको इस दिन खरीदना है, ये सारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी को प्रिय होती हैं। ये खरीदते ही आपका लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है, आपकी जन्म कुंडली में भी, आपकी बॉडी में भी, और यहाँ पर ये धन आकर्षण को बढ़ा देता है। मतलब कि जितने भी सुख समृद्धि शांति आपके जीवन में आना चाहिए वो ये चीज़ें खरीदने के बाद आने लगती है। एकदम नहीं आएगी लेकिन धीरे धीरे करके आने लग जाएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपने शुभ मुहूर्त पर चीज़ें अपने लिए खरीद ली है। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने, ज्योतिष या वास्तु को मानते हो चाहे ना मानते हो, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका विश्वास हो ज्योतिष में ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये चीज़ें खरीदी तो ऑटोमेटिकली आपका लक्ष्मी तत्व तो बढ़ना ही है, इसलिए आपको यहाँ पे किसी भी तरह से बाध्य नहीं होना है किसी भी ज्योतिष या वास्तु को मानने के लिए, और जरूरत भी नहीं है। 4th नंबर का नियम मैंने लिखा है, ध्यान रहे खरीदी गई वस्तु शुभ मुहूर्त पर होना चाहिए। अब आप ऑनलाइन मंगवाएं या फिर आकर स्वयं लें, देखिए मैंने अभी ऑनलाइन वाला आपको समझा दिया है। उसके बाद अगर आप इंदौर शहर से ही ये वीडियो हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, इंदौर शहर के आसपास से कहीं वीडियो देख रहे हैं या इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, और आप अगर हमारी शॉप पर आके ये सामग्रियाँ लेना चाहते हैं, तो आप धनतेरस वाले दिन ही आइए और ये सामग्री लीजिए। लेकिन उसके पहले अपनी बुकिंग जरूर करा लीजिएगा, ये सामान लेने के लिए अपना नाम जरूर लिखवा दीजिएगा, ताकि आप अगर धनतेरस के दिन आ जाए तो स्टॉक में अगर कमी हो तो असुविधा ना हो, ऐसा ना हो कि आपको सामान मिले ही ना, ठीक है। यहाँ पे ये नियम नंबर 4 था। अब वो सामग्रियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सामग्रियाँ हमको इस दिन खरीदना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, धनतेरस के दिन यह वस्तुएँ खरीद कर अपने घर या मंदिर में जरूर रखें, बरकत होगी। इन सब सामग्रियों को आप 3 जगहों पर रख सकते हैं। देखिए पहला होता है घर का मंदिर, सबसे शुभ स्थान होता है वो और पवित्र स्थान होता है, आप ये सामग्रियाँ वहाँ रख दीजिए, लाल कपड़ा पीला कपड़ा बिछाकर उस पर। उसके बाद अलमारी का जो लॉकर होता है जहाँ पे हम हमारा पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, हमारी ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद व्यवसाय स्थल का जो काउंटर होता है, वहाँ पे जो हमारा गल्ला बना होता है, आप वहाँ पे रख दीजिए। इन 3 जगहों में से कहीं भी आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। चीज़ें कौन सी हैं अब वो सुनिएगा। देखिए पहला है कमल गट्टे की माला, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। एक्चुअल में ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लक्ष्मी जी और विष्णु जी को और कुबेर भगवान को और धन्वंतरी भगवान को अति प्रिय हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये चीज़ें आप धनतेरस के शुभ मुहूर्त पे या फिर अक्षय तृतीया पे या गुरु पुष्य नक्षत्र पे या रवि पुष्य नक्षत्र पे या हर माह की पूर्णिमा को खरीदेंगे, तो इनकी कृपा आशीर्वाद आप पर आने लग जाएगा, और आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो यहाँ पे इनकी कृपा आप पे बरसेगी और आपके जीवन की सारी पैसे से संबंधित परेशानी, सुख शांति नहीं है जीवन में, वो सब परेशानियाँ खत्म होंगी और आपका जीवन मंगलमय बनेगा, आनंदमय बनेगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ है कमल गट्टे की माला, उसके बाद दूसरा स्फटिक का श्री यंत्र एवं माला। स्फटिक एक ट्रांसपेरेंट धातु होती है, उसका एक छोटा सा श्री यंत्र भी आता है और एक माला भी आती है स्फटिक की, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कमल, केवड़ा, गुलाब, चंदन का इत्र, इत्र मतलब वही हमारा परफ्यूम जैसा हो गया। तो इन चारों में से कमल, केवड़ा, गुलाब, चंदन का इत्र आप इस दिन खरीद सकते हैं, खरीदना ही चाहिए।
उसके बाद लाल गुलाबी पीला रेशमी कपड़ा आपको खरीदना चाहिए इस दिन। छोटा नारियल, एक छोटा सा लघु नारियल आता है, बिल्कुल छोटा सा, 1 या 2 इंच की उसकी साइज होती है, वो आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको आपके नज़दीकी पूजा पाठ की शॉप पर आराम से मिल जाएगी, या अगर आपकी कोई सराफा वाली शॉप है, मारुठिया वाली शॉप है, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, पूजा पाठ का सामान जो रखता है वहाँ तो मिलना ही मिलना है, किराने की शॉप पर भी इनमें से बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी यहाँ पे इतनी मुश्किल चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें नहीं है कि जो ना मिले, आसानी से आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है मैंने अखंडित चावल, ऐसे चावल जो टूटे ना हो, पूरे अखंडित हो, वो चावल आपको खरीदना चाहिए इस दिन। खड़ी पीली हल्दी, देखिए एक होता है हल्दी का पीसा पाउडर और एक होती है खड़ी हल्दी, आपने देखी होगी, वो आपको खरीदना चाहिए इस दिन। केसर, केसर की डब्बी आपको यहाँ खरीदना चाहिए इस दिन। सोने चांदी के सिक्के या मोती, देखिए बजट हो तो सिक्के खरीद लीजिए, चांदी का सिक्का तो कोई भी खरीद सकता है, गरीब से गरीब इंसान भी यहाँ पे खरीद सकता है। सोने के सिक्के का अगर आपका बजट हो तो खरीद लीजिए, नहीं तो एक छोटा सा सोने का ठोस मोती, चपड़ी वाला मोती नहीं होना चाहिए, खोखला मोती नहीं, ठोस मोती एक खरीद लीजिए, तो भी सोना खरीदा हुआ माना जाएगा इस दिन, ये भी आपको बहुत बरकत करेगा। पुकराज व ओपल रत्न, हाँ ओपल रत्न शुक्रदेव का रत्न होता है, जो लक्ष्मी जी के गोद लिए बैठे हैं, और पुकराज रत्न हमारे बृहस्पति देव गुरुदेव का रत्न है, तो इनका अगर आप रत्न भी इस दिन खरीद कर अपने लॉकर में या अलमारी में व्यवसाय स्थल पर रखते हैं तो भी बरकत होने लगेगी। ध्यान रहे जो आप रत्न खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल हो, सिंथेटिक रत्न का, सिंथेटिक जेमस्टोन का कोई लाभ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, गंगा जल की बॉटल खरीदना चाहिए, गौमूत्र खरीदना चाहिए, सिंदूर की एक छोटी सी पाउच, एक थैली हमें लेना चाहिए इस दिन, भोजपत्र का टुकड़ा लेना चाहिए, गाय का गोबर भी खरीदना चाहिए इस दिन, पूजा की सुपारियां आपने देखी होगी वो खरीदना चाहिए, हत्ता जोड़ी भी खरीदना चाहिए इस दिन, ये थोड़ा सा दुर्लभ है, नकली हत्ता जोड़ी बहुत सारी मिलेगी आपको बाजार में, असली मुश्किल पड़ जाती है, इसलिए अगर आपको असली मिल रही हो तो ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पे और भी आइटम है वो ले सकते हैं। इंद्रजाल का पौधा, ये भी एक दुर्लभ आइटम है, आपको ओरिजिनल शायद ही मिले, अगर आपके विश्वासी व्यक्ति से मिल रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, मिल रहा हो तो ले लीजिए, एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें महंगी भी आएंगी अगर मिलेंगी भी तो। उसके बाद देखिए, चांदी या पीतल पर बना लक्ष्मी कुबेर का यंत्र, या तो चांदी पर बना हो या पीतल पर, वो भी खरीद सकते हैं। पूजा की छोटी झाड़ू, अब यहाँ पर एक छोटी सी करीबन 4 से 5 इंच की एक छोटी सी झाड़ू आती है, जो कि ऐसा लगता है जैसे शोपीस के लिए बनी हो, उसको मंदिर की सफाई उस झाड़ू से कर लेते हैं, वो झाड़ू आप खरीद सकते हैं। उसके बाद एकाक्षी नारियल होता है, ये भी दुर्लभ है, मिल जाए तो ले लीजिएगा। एक नारियल होता है, आपने जो भी कॉमन नारियल देखे होंगे उस पर 3 आँख होती है उसकी, लेकिन इस नारियल पर सिर्फ 1 ही आँख होती है, तो अगर ऐसा नारियल मिल रहा हो तो ले लीजिए। उसके बाद सफ़ेद पीली कोड़ियाँ खरीदना चाहिए इस दिन, गोमती चक्र जरूर से लेना चाहिए, मोती शंख लेना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख, ऐसा शंख जिसके अंदर चावल या पानी भर कर रख सकें हम, वो शंख हमको यहाँ पे खरीदना चाहिए इस दिन। इस शंख की खासियत ये होती है कि ये बजता नहीं है, इसको सिर्फ चावल या पानी भर के रखते हैं, इसमें बजाने वाला छेद नहीं होता है, वो इस दिन खरीदना चाहिए। बजाने वाला शंख, बामवर्ती शंख भी इस दिन लेना चाहिए, विष्णु जी को अति प्रिय होता है शंख, जिस घर में शंख होता है वहाँ विष्णु जी की हमेशा कृपा बनी रहती है, और बजाने वाले पे भी विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। तुलसी, गुलाब, कमल के पौधे इस दिन, उनके पौधे आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं खरीद कर, और अपने घर में लगा सकते हैं गमलों में। सफ़ेद आंकड़े का पौधा और जड़, ये भी ला सकते हैं, कहीं पे से पौधा मिल रहा है तो ले आइएगा। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद आंकड़े का पौधा जो होगा उसमें सफ़ेद कलर के ही फूल लगेंगे, एक आंकड़े का पौधा गुलाबी भी आता है, वो नहीं लाना है, सफ़ेद आंकड़े का लाना है। अगर पौधा नहीं मिल रहा है तो उसकी कहीं से आपको अगर जड़ का जोड़ा मिल जाए, यानी 2 जड़ मिल जाए उसकी जोड़े के रूप में, तो वो ले आइएगा, वो बहुत शुभ रहेगा इस दिन। एक्चुअल में ये भी दुर्लभ है, सफ़ेद आंकड़े मिलना बहुत मुश्किल होता है, गुलाबी आंकड़ा सब जगह मिल जाता है, इसलिए आपके किसी विश्वासी इंसान से आप ले सकते हैं। कुमकुम, यहाँ पे जिसको कंकू भी बोलते हैं, वो लेना चाहिए। आम व पीपल के पत्ते व छाल थोड़ी सी घर में जरूर लाना चाहिए, ये तो इजीली मिल जाएगी हर जगह।
बरगद की जड़ भी इस दिन लाकर लाल कपड़े में लपेट कर अपने मंदिर में स्थापना करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे सिद्ध हुई हो। पीतल के भगवान की मूर्तियाँ आप इस दिन ले सकते हैं और बहुत ही शुभ रहेगा इस दिन लेना। जो भी आप भगवान की मूर्तियाँ सोच रहे हैं इस दिन लीजिए, खास तौर पे पीतल का कछुआ व गाय और बछड़े का जोड़ा, एक छोटा सा पीतल की गाय आती है साथ में बछड़े भी होता है, वो तो इस दिन लाना ही लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव की होती है गाय और पीतल की धातु होने के कारण वो बहुत ज़्यादा बरकत कर देती है घर में, सब कुछ सुख समृद्धि शांति ला देती है, तो वो यहाँ पे इस दिन लेना चाहिए। इसके बाद एक सीप मोती आता है, यानी कि मोती अगर आपको सीप में लगा हुआ मोती मिले तो वो आप ले लीजिए, ओरिजिनल होना चाहिए सीप मोती, एक्चुअल में बहुत महंगा आने वाला है तो ओरिजिनल हो तो लीजिएगा। उसके बाद पीतल का कलश और या लोटा, कलश या लोटा एक ही चीज़ है, पीतल का वो यहाँ पे खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे धन्वंतरी जो भगवान हैं वो धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से एक कलश लेकर जो समुद्र से उत्पन्न हुए थे, तो वो कलश जो होता है वो धनतेरस के दिन तो ज़रूर से पीतल का कलश खरीदना ही चाहिए। अब वो चाहे आपके उपयोग में आने वाला हो चाहे ना आने वाला हो, वो आपको खरीद कर अपने घर में पानी भरकर मंदिर में ज़रूर से रखना चाहिए, और अगर पानी भर के पहले से रखा हो तो एक कलश और लेकर उसमें एक एक रुपए के सिक्के से पूरा भर कर रख दीजिए, तो हमेशा भंडार भरा रहेगा आपके घर में अन्न का और धन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओम स्वास्तिक श्री शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि जैसे मांगलिक चिन्हों के स्टिकर भी इस दिन खरीदना चाहिए, ताकि आप अपने घर में और मंदिर में इसको लगा सके। खड़ा धनिया आप लोगों ने देखा ही होगा हरे कलर का, वो खरीदना चाहिए। बही खाता की बुक खरीदना चाहिए। विद्या संबंधी चीज़ें जैसे बुक्स हो गई, नोटबुक हो गई, पेन पेंसिल हो गए, वो इस दिन खरीदना चाहिए। खुद के व्यवसाय से संबंधित चीज़ें, ये सबसे मेन पॉइंट है। आप कोई भी व्यवसाय करते हो, देखिए आप कपड़े का व्यवसाय करते हो, बर्तन का करते हो, आप जूते का करते हो, आप की स्टेशनरी शॉप हो, किराना शॉप हो, अपने व्यापार से संबंधित चीज़ें जो आपको बेचना है वो चीज़ें इस दिन ज़रूर से खरीदना चाहिए आपको, वो आपको बहुत लाभ करेगी। उसके बाद यहाँ पे हीरा रत्न भी आप इस दिन खरीद सकते हैं, बहुत शुभ होता है धनतेरस के दिन हीरा रत्न खरीदना। और इस धनतेरस की अगर बात करें तो वो तो फ्राइडे को ही आ रही है, तो यहाँ पे फ्राइडे का दिन तो शुक्र देवता का है ही, मतलब हीरा खरीदने का बहुत बढ़िया मुहूर्त है, तो वो तो यहाँ पे आप ले ही सकते हैं हीरा रत्न। रुद्राक्ष की मालाएं आप ले सकते हैं इस दिन, वो भी शुभ होती है खरीदना। रत्न किसी भी प्रकार का, चाहे वो मानिक हो, मोती हो, मूंगा हो, पन्ना हो, पुखराज हो, ओपल हो, हीरा हो, नीलम, गोमेद, लहसुन, या कोई भी रत्न हो या इसके अलावा भी कोई भी रत्न हो, तो वो इस दिन आप खरीद सकते हैं। इस दिन खरीदा हुआ रत्न भी बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पे अगर रत्नों की बात करूँ तो शुक्र ग्रह के ओपल, हीरा और जरकन, जीवी स्टोन, ये सारे रत्न, अमेरिकन डायमंड, ये सारे रत्न खरीदना बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद भगवान के सभी तरह के फोटो भी इस दिन आप ले सकते हैं, वो भी बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद केले का पौधा नर्सरी से या कहीं से भी आप लेकर इस दिन आ सकते हैं अपने घर में। उसके बाद काले घोड़े की नाल, यहाँ पे इस दिन आप बुक कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको काले घोड़े की नाल की एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र में आसपास मिल रही है तो इस दिन पैसा देके बुक कर लीजिए, लेकिन इस दिन लाइएगा मत काले घोड़े की नाल, क्योंकि वो शनि ग्रह को कहीं ना कहीं चली जाती है, लेकिन वो भी धन और बरकत को लाने वाली होती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जो बुक करना है इस दिन, लेकिन लाना नहीं है, लाएंगे बाद में इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैंने जितनी भी बताई अभी, ये सारी चीज़ आपको इस दिन अपने घर के लिए, व्यवसाय के लिए खरीदना चाहिए, ये बहुत शुभ करेगी, बहुत पवित्र चीज़ें करेंगी आपके घर में, सब कुछ अच्छा करेंगी। अब देखिए क्या नहीं खरीदना चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको। स्टील, एल्यूमिनियम और लोहे की चीज़ें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों से भी बचना चाहिए। स्टील, एल्यूमिनियम के बर्तन इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। बर्तन आपको खरीदना है तो पीतल के खरीदिए और तांबे के खरीदिए और चांदी के खरीदिए और सोने के खरीदिए। अगर बर्तन खरीदना है तो स्टील, पीतल, लोहा, एल्यूमिनियम और सॉरी स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम यहाँ पे और जर्मन, इनके बर्तन ना ही खरीदें,
तो सबसे बेहतर होगा प्लास्टिक की चीजों से भी बचिए। ये चीजें इस दिन नहीं लाना चाहिए, ये शनि का प्रकोप घर में लेकर आती हैं, जो कि यहाँ पे जो बरकत का सामान नहीं होता है। इसलिए मैंने काले घोड़े की नाल का भी यहाँ पे सिर्फ बुक करने का बोला, लेकिन मना किया। और जो ये बर्तन मैंने बताए हैं और जो दूसरी चीज़ें बताई हैं, ये तो इस दिन बुक भी नहीं करना है आपको, लाना तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये आइटम थे जो आपको इस दिन खरीदना चाहिए। आप देखिए, आपके जहाँ भी आप जिस भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपके आसपास ये चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से खरीदिए, इनको सिद्ध कराइए और अपने घर में ला के स्थापना कीजिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप हमसे मंगवाना चाहें, तो मैं यहाँ पे आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। ये प्राइसिंग फिक्स रहेगी हमेशा के लिए। आज से अगर 5 साल बाद भी आप ये वीडियो देखेंगे और अगर ज़्यादा प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है, तो लगभग यही प्राइस आपको मिलेगा हमेशा। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं अभी के ही प्राइस डाल रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि हम इसी प्राइस में आगे भी आपको उपलब्ध कराएं। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए उसमें प्राइस में, तो उस समय बता दिया जाएगा आपको। देखिए, अगर आप ये चीज़ें हमसे मंगवाते हैं, तो सबसे पहले इसकी 2 शर्तें हैं कि आप अपने लाभ के लिए ये चीज़ें धनतेरस वाले दिन पेमेंट करके ऑनलाइन, बहुत सारे माध्यम है हमारे पास, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, नेट बैंकिंग है, उस दिन पेमेंट करके ये चीज़ें बुक करिए। उसके बाद 4 से 5 दिन में ये चीज़ें आपके पास कोरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी। और अगर आप इंदौर लोकल से है या आप खुद आके लेना चाहते हैं, तो कम से कम धनतेरस के 2 से 3 दिन पहले अपना नाम लिखवाइएगा हमारे पास फ़ोन करके, और उसके बाद आपके शहर का नाम, एड्रेस वगैरह लिखवाइएगा, ताकि स्टॉक में प्रॉब्लम ना हो और आपको इस दिन ये चीज़ें मिल जाएं जब आप आएँ। तो ये है आने की बात, और ऑनलाइन की बात भी मैंने यहाँ बता दी है। तो देखिए, यहाँ पे कौन सी चीज़ का कितना मूल्य है वो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखिए, कमलगट्टे की माला जो है वो 250 रुपये की आ जाएगी। अब देखिए, ये जो प्राइसिंग मैंने यहाँ लिखी है, इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड है। फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट की प्राइस, दूसरा है आपका कोरियर चार्ज, और तीसरा है आपका सिद्ध और अभिमंत्रित करने की दक्षिणा। ये 3 चीज़ों को इंक्लूड करके एक आइटम की प्राइस बनाई गई है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस है, इसमें तीन तीन बातें हैं जो इसके अंतर्गत आ रही हैं। देखिए, पहला है कमलगट्टे की माला 250 रुपये की आ जाएगी, 108 दाने की। दूसरी है स्फटिक माला, 108 दाने की आएगी, 300 रुपये की। रुद्राक्ष माला 108 दाने की आएगी, सामान्य वाली, जिसको जप करने वाली माला कहते हैं, वो 300 रुपये की आ जाएगी। रुद्राक्ष माला 54 दाने की आएगी। दूसरी जो है चांदी में बनी हुई, चांदी की कैप में बनी हुई, ये 1500 रुपये में आ जाएगी। स्फटिक श्री यंत्र 300 रुपये इसका मूल्य है। कमल केवड़ा गुलाब चंदन का इत्र 280 रुपये में ये पूरा सेट आ जाएगा। ये 5 जो 1 2 3 जो 4 जो हमारी खुशबू है इनका। उसके बाद लाल गुलाबी रेशमी कपड़ा 150 रुपये का आ जाएगा। छोटा नारियल 150 रुपये का आएगा। खड़ी पीली हल्दी 150 रुपये की। अखंडित चावल 100 रुपये। केसर 200 रुपये। सोने का सिक्का 1 ग्राम का 4300 रुपये का आएगा, और आधा ग्राम का 2150 रुपये का आएगा। चांदी का सिक्का 5 ग्राम का 400 रुपये में आएगा। 10 ग्राम का 800 रुपये में आएगा। पुखराज का रत्न यहाँ पर 1500 रुपये का आएगा। ओरिजिनल रत्न जो मैं आपको बता रहा था, वो 1500 रुपये में आ जाएगा। हीरा रत्न जो है यहाँ पर 6000 रुपये का आ जाएगा आपको। हीरा रत्न उसका वजन जो रहेगा वो 10 सेंट का रहेगा। 10 सेंट का हीरा 6000 में। इसके बाद गंगाजल गौमूत्र की जो बॉटल है, एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये आपको 150 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन इनका वजन बॉटल का इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर इसको हम कोरियर करके आप तक भेजेंगे, तो ये कोरियर करने के बाद हमें 500 रुपये तक का इसका मूल्य हो जाएगा, जो आपको पे करना होगा। इसलिए ये बॉटल 500 रुपये की हो जाएगी। सिंदूर जो है 150 रुपये का आएगा। भोजपत्र 150 रुपये का। पूजा की सुपारी 150 रुपये की। इंद्रजाल का पौधा अभी स्टॉक में नहीं है, धनतेरस के आसपास स्टॉक में आ जाएगा। आप लेकिन पूछ सकते हैं, बिल्कुल 2 दिन बाद आप कॉल कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं। इंद्रजाल का पौधा 25000 रुपये का आ जाएगा। अगर स्टॉक में आया तो इतने का आएगा, अगर नहीं आया तो नहीं मिलेगा। लक्ष्मी कुबेर का यंत्र पीतल वाला 180 रुपये का आ जाएगा। चांदी वाला 400 रुपये का आएगा। बजाने वाला बाम बर्ती शंख
800 रुपये का आएगा, दक्षिणावर्ती शंख 250 रुपये का आएगा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का जोड़ा, ये जो मैं भी आपको बता रहा था ये 300 रुपये में आ जाएगा जड़ का जोड़ा, उसमें दो जड़ आएगी। इसके बाद सफ़ेद पीली कौड़ी 200 रुपये की आ जाएगी और गोमती चक्र 150 रुपये के आएंगे। पीतल की भगवान की मूर्ति में जो कछुआ मैंने आपको भी बताया था वो 450 रुपये का आएगा और गाय बछड़े का जो सेट है वो 800 रुपये का आ जाएगा। पीतल का लोटा जिसको कलश भी बोलते हैं 350 रुपये का आ जाएगा। उसके बाद काले घोड़े की नाल 2100 रुपये की ये आएगी। इसके बाद मोती शंख 150 रुपये का आएगा। संपूर्ण यंत्र भी आता है एक, जैसे कि आपने देखा होगा वो एक ही यंत्र फ्रेम किया हुआ होता है, उसमें अलग 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 यंत्र होते हैं बीच में, तो वो यंत्र 400 रुपये का आ जाएगा। चांदी का ताबीज 350 रुपये का आएगा यहाँ पे। तो ये सारी जो है वो प्राइसिंग है जो मैंने बता दी है आपको। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी मैंने आपको आइटम के नाम और प्राइस बताए हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ही चीज़ें खरीदना है तभी आपके जीवन में धन और बरकत आएगा। आप आपके बजट अनुसार, आपके सामर्थ्य अनुसार चीज़ें यहाँ पे ये वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल भी सामर्थ्य और बजट अभी नहीं है तो इनमें से कोई एक चीज़ भी खरीद सकते हैं, वो भी आपको धीरे धीरे असर तो करेगी ही। अगर आपका कुछ थोड़ा सा 8-10 आइटम खरीदने का बजट है तो खरीद सकते हैं, पूरा खरीदने का बजट है तो पूरा खरीद ही सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको साल के शुभ मुहूर्तों पर, जो ये 5 मुहूर्त मैंने बताए हैं, इस दिन आपको खरीदना चाहिए। तो बस यही था ये वीडियो। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमसे अगर कुछ भी सामग्री हमसे मंगवाना चाहें, हमसे अगर मंगवाते हैं तो सारी सामग्री आपको सिद्ध और अभिमंत्रित करके दी जाएगी। इसके अंदर एक दिन का समय लगेगा और 4 से 5 दिन में ये कोरियर आपके पास पहुंच जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी सामग्री होगी। पेमेंट मोड एडवांस है, जो भी आइटम आप चाहते हैं सभी के प्राइस बता दिए गए हैं, अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 5 आइटम सिलेक्ट किए हैं तो उसका कितना मूल्य है, और वो हमें भेज सकते हैं। धनतेरस के दिन ही बुक कीजिएगा, तो उसके बाद ये चीज़ें आपको कोरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि धनतेरस के दिन अगर आप ये चीज़ें बाई चांस अगर नहीं खरीद पाते हैं तो ये 5 मुहूर्त और भी हैं, 4 मुहूर्त और भी हैं, इस दिन भी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पे भी कोशिश करें कि इसी दिन अपने आइटम की बुकिंग करें, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी इसी दिन बुकिंग करें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और फिर डिलीवरी उसकी बाद में ले लें। तो ये वीडियो इसी बारे में था। आशा करता हूँ ये जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी और इसका आप लाभ लेंगे इस जानकारी का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए पहली बार देख रहे हैं अगर ये वीडियो तो। और थैंक यू, जय माता दी, ओम साई राम।